झांसी में बनने जा रहा पहला प्लेनेटोरियम या स्पेस म्यूजियम जल्द ही तैयार होने जा रहा है। इस म्यूजियम को स्मार्ट सिटी द्वारा तैयार करवाया जा रहा है और यहाँ युवाओं के लिए, खासकर बच्चों के लिए, काफ़ी अच्छी सुविधाएं होने जा रही हैं। यहाँ विज्ञान और अंतरिक्ष के गूढ़ रहस्य आसानी से विद्यार्थी समझ सकेंगे और यहाँ एक हाईटेक वीडियो के माध्यम से विद्यार्थियों को ये समझाया जाएगा कि किस प्रकार से अंतरिक्ष में चीज़ें चलती हैं, वहाँ कैसे काम होता है। यहाँ पे होलोग्राफिक्स डिस्प्ले के माध्यम से, प्रोजेक्शन मैपिंग के माध्यम से तक ये अंतरिक्ष के बारे में बताया जाएगा और जेस्टिंग वॉल के माध्यम से भी विषयों को आकर्षक रूप में जानकारी दी जाएगी। स्पेस म्यूजियम को रॉयल नेशनल पार्क में बनाया जा रहा है, इस पर तेज़ी से काम हो रहा है और जल्द ही इस काम को पूरा कर लेने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि 30 जून तक इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। नगर आयुक्त पुलकित गर्ग ने इस संबंध में निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि जुलाई में जब दोबारा स्कूल खोलें उस समय तक यह स्पेस म्यूजियम तैयार हो जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी यहाँ पर आकर चीज़ों को सीख सकें और समझ सकें। फिलहाल ये माना जा रहा है कि स्पेस म्यूजियम में जो एंट्री होगी वो टिकट से होगी और इसके लिए PPP मोड का सहारा लिया जाएगा। इस संबंध में जानकारी दी अपन नगर आयुक्त मोहम्मद कमर ने। इसमें लगभग सारा काम जो है स्पेस म्यूजियम का लगभग पूरा हो गया, जो थोड़ा बहुत काम बच गया है वो जून माह में ये कंप्लीट हो जाएगा और एक सप्ताह या लगभग 10 दिन के करीब और लगेगा इसको पब्लिक के लिए ओपन करने के लिए। क्या कुछ खासियत होगी इसमें? स्पेशल इफेक्ट्स के माध्यम से जो है वीडियोज़ डिस्प्ले किए जाएंगे जिससे यूनिवर्स के बारे में लोगों को अच्छी जानकारी मिल सकेगी। सर एंट्री टिकट बेस्ड होगी या इसको टिकट बेस्ड एंट्री रहेगी जो है?